हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा, मतलब रिएक्शन दूंगा अपना। एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है जो कि है मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख को, मतलब 8 नवंबर को जो रिलीज़ होने जा रहा है। उसका एक सॉन्ग कल रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है वशमल्ले। वशमल्ले सॉन्ग जिसमें आपको डांस करते हुए नज़र आएंगे अमिताभ बच्चन जी, और उनके साथ जो आपको नज़र आएंगे आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो दोस्तों, सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसके जो लिरिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। लिरिक्स में बताता चलूं कि अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे और म्यूज़िक जो है अजय और अतुल ने इसका दिया है, और जो सिंगर हैं इस सॉन्ग के वो हैं सुखविंदर सिंह और विशाल दादलानी। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है दोस्तों, और सॉन्ग की वर्डिंग है वशमल्ले। अच्छा, वशमल्ले एक पाकिस्तान में एक बलोची बड़ा फेमस सॉन्ग रहा है, राधा रसी। अब मुझे वर्डिंग सही आती नहीं है, लेकिन इसी तरह का वशमल्ले। और एक और पुराना एक सॉन्ग था इंडियन बॉलीवुड मूवी का नाम था हिना, जिसमें ऋषि कपूर थे लीड रोल में और पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी ज़ेबा बख्तियार। तो उस सॉन्ग की भी वर्डिंग कुछ इसी तरह की थी वशमल्ले की। बहरहाल, इसके जो बाकी जो वर्ड हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी जो लाइन थे, लेकिन स्टार्ट इसका जो है, जो उसका जो है मुखड़ा कह लें, वो जो है वशमल्ले है। और सॉन्ग काफ़ी कैची है, और अमिताभ बच्चन और फर्स्ट टाइम मतलब जो है आमिर खान एक साथ डांस करते हुए नज़र आए। अमिताभ बच्चन का जो मुझे उसमें जो झलक नज़र आई है, वो नज़र आई मुझे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उसमें जो उन्होंने डांस किया था बिल्कुल वही जॉलीनेस, बिल्कुल वही उसी तरह का अंदाज़ मुझे नज़र आया। और जो दूसरे आमिर खान की बात की जाए हमारे, तो उनका जो स्टाइल मुझे थोड़ा सा आती क्या खंडाला में जो उनका थोड़ा सा स्टाइल नज़र आया, जो ठुमके वगैरह और जिस तरह वो करते, वो मुझे थोड़ा सा वैसा टच नज़र आया। बहरहाल, ओवरऑल एक अच्छा सॉन्ग है, लेकिन सॉन्ग बिल्कुल अभी 1 मिनट का ही है, तो उसमें ज़्यादा और कुछ मतलब जज कर नहीं पाया मैं। लेकिन जो नॉर्मली मुझे समझ आई चीज़ें, तो वो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। मैंने कल वीडियो इस पर बनाई थी, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू आ गया था, वीडियो मेरी जो है वो डिलीट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब बग़ैर जो है कंटेंट के, बग़ैर सॉन्ग के लिरिक्स वगैरह के, ऐसी नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ। तो बस यही है, देखते रहिए समीर के ब्लॉग्स, और अगर आपको रिएक्शन मेरा अच्छा लगे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँ आगे भी रिएक्शन वीडियो इस तरह बनाता रहूँ।